एच फोर हम्बल होता है चैंपियन. क्या होता है? मजा नहीं आया? जिस पेड़ के फल लग जाते हैं वो झुक जाता है. राजस्थान में दो तरह के पेड़ हैं, एक आम एक खेजड़ा. आम के जितने आम लगते चले जाते हैं, आम झुकता ही चला जाता है, जमीन में गड़ता ही चला जाता है. क्यों? धरती का सबसे पवित्र और मीठा फल उसके अंदर है. आत्मा आत्मा रोम से प्रफुल्लित हो जाती है जब आम खाते हैं. और खेजड़ा इसे ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, आ जा सयाले मेरे को झुका के बता, बता झुका के मेरे को. अगर आप ऐसे लीडर बन गए ना, मेरे को झुका के बता. जो झुक नहीं सकता एक दिन टूटना पड़ता है, और जो फ्लेक्सिबल होता है उसकी जिंदगी बदल जाती है. ईमानदार चैंपियन वो लोग हैं जो हम्बल हैं, जो विनम्र हैं, जो उदार हैं. साइलेंट होता है. अच्छा लिसनर ही अच्छा वक्ता बनता है. अच्छा लिसनर अच्छा वक्ता बनता है. अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो जैसा अच्छा स्पीकर बनना है उसको उतना ही सुनना होगा, उतना ही सुनना होगा. अगर आप बनना चाह रहे हो संकेत जी जैसे स्पीकर, सुनो उतनी जितनी टेंडेंसी के लोग है ना वैसे, उनको सुने चले जाओ. अगर आप बनना चाहते हो, आप सेंग्विन टेंडेंसी डेवलप करना चाहते हो, सेंग्विन टेंडेंसी डेवलप करने के लिए ताकत लगती है. आपको वो करना पड़ता है जो करोड़ों में से नहीं हो सकता. डांस करते टाइम बड़े बड़ों की टांगे हिल जाती है, लेकिन आपकी टेंडेंसी अगर ऐसी है तो आप ये कर लोगे. तो जो स्पीकर दुनिया में सेंग्विन है उनको सुनो. कुमार विश्वास को सुनो, कपिल शर्मा को सुनो, राजू श्रीवास्तव को सुनो. सुनो जिनको जिंदगी में सेंग्विन टेंडेंसी डेवलप करनी है वैसा ही डेवलपमेंट सुनो. जिनको कॉलोरिक टेंडेंसी डेवलप करनी है वो वैसे स्पीकर्स विवेक बिंद्रा जी को सुनो. जिनको कॉलोरिक टेंडेंसी डेवलप करनी है वो सुनो. जिनको सेंग्विन टेंडेंसी डेवलप करनी है संदीप महेश्वरी को सुनो. जिंदगी में जैसी टेंडेंसी बननी है उनको सुनो. मेलनकोलिक टेंडेंसी बननी है उज्ज्वल पाटनी जी को सुनो. सुनो. और फ्लेगमेटिक में तो मैं किसी स्पीकर को जानता नहीं जो स्पीकर भी हो और फ्लेगमेटिक भी हो. लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप अपनी जिंदगी में जितने अच्छे श्रोता बनोगे उतना ही अच्छा एक दिन वक्ता बनोगे. चैंपियन ऑनेस्ट होते हैं और ऑनेस्ट लोग शांति से सुनते हैं. फुली कंट्रोल्ड जिंदगी कंट्रोल्ड में होती है. बकरी की तरह नहीं होती, इधर हॉर्न बजा तो इधर भाग गई, इधर बजा तो इधर भाग गई. नहीं, बकरियों का झुंड जब रोड क्रॉस करता है एक हॉर्न बजता है तो भाग गई. बकरियों के झुंड में पता ही नहीं चलता कौन सी किधर गई, एक आवाज में भागो रे. और जब शेर रोड क्रॉस करता है हॉर्न बजा के बताओ आप ये, अरे साइड में लगा ले रे, बापू जा रहा है. पता है उसकी जिंदगी कंट्रोल में. जिसकी जिंदगी कंट्रोल में होती है दुनिया उससे डरती है. फुली कंट्रोल है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. दो चार लीडर थोड़ा सा अचीवमेंट हुआ नहीं, यहां पे स्टेज मिला नहीं, थोड़ी तालियां मिली नहीं, दो चार कोई लड़की या लेडीज प्रभावित हुई नहीं, उसने तीन मैसेज डाल दिए और ये बन गया तेरे नाम. वाह, मुझसे तो लड़कियां इंप्रेस होने लग गई है. आई एम बापू. ओए पिसलन, ओए पिसलन, ऐसा पिसलेगा जिंदगी भर ढूढ़ी चक जाएगी. ढूढ़ी ढूढ़ी समझते हो? ढूढ़ी हर कोई नहीं समझता. ढूढ़ी बहुत साइंटिफिक जगह है. ये जिसकी चक गई ना वो रोते रहते हैं फिर जिंदगी में. अपनी लाइफ का कंट्रोल है सारे. कोई डिगा नहीं पाए आपको जिंदगी में, ना व्यक्तित्व से, ना चरित्र से, ना आचरण से, कभी नहीं. एक सर्वे कंपनी ने सर्वे किया, लोग शराब पीना क्यों चालू कर देते हैं, कि कोई विशेष घटना होती होगी तब जाके लोग शराबी बनते होंगे. इतनी बारीक घटना होती है और आदमी इतना बड़ा शराबी बन जाता है. इतनी सी बारीक घटना क्या होती है? अरे साले लेके देख एक बार, क्या करेगा तू जिंदगी में इसके बिना, नहीं लिया बेकार का. इतनी सी घटना से एक इंसान जिंदगी भर के लिए शराबी. इतना सा कंट्रोल नहीं है, इतना सा कंट्रोल नहीं है. अरे सिगरेट नहीं पी तेरी जिंदगी में, तूने क्या किया रे. ऐसा ईगोट करते हैं कि सामने वाला, अच्छा तेरे देना एक सिगरेट मेरे को देगा, भेद बताता हूँ तेरे को. काय में घमंड कर रहा है. लाइफ को कंट्रोल भैया. डायमंड बनने जा रहे हो, चैंपियन बनने जा रहे हो, खुद का कंट्रोल और संयम खुद पे नहीं है ना,
डगमगा जाओगे। फिसलन में खड़े कभी नहीं होना, मजबूती से अंगद की तरह पांव जमा के रखना अपनी वैल्यूज पे, लाइफ बदल जाएगी आपकी। कंट्रोल्ड चैंपियन, फुली कंट्रोल्ड, ना डर डिगा सकता, ना लालच डिगा सकता, कुछ नहीं डिगा सकता। चैंपियन फुली कंट्रोल्ड सर्व्स विलिंगली। अरे रे, ऐसे सर्व करने में आनंद आता है, ऐसे सर्व करने में मजा आता है। सर्व करना मतलब पुरस्कार ही करना। कभी किए ब्याह शादी में पातल उठाए कभी? ये जिन जिनों ने पातल उठाए एक दिन डायमंड बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता इनको, वादा है मेरा आपसे। जिंदगी में जो इंसानों को सर्व करता है ना, एक दिन वो चैंपियन बनता है। सर्व करो पूरी आत्मा से। आपकी डाउनलाइन आपसे टाइम मांग रही है और आप टाइम की जगह ज्ञान दे रहे हो। सुन मैं क्या सुन मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बताता हूँ। मेरी जिंदगी के पिछले 18 वर्षों के करियर में सेल्स की दुनिया में, अगर मेरी डाउनलाइन ने कभी मुझे टाइम के लिए फ़ोन किया है, मैंने एक दिन भी ये नहीं बोला मैं बताता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ ना। या तो डेट दिया या डेट देने की डेट दिया, क्योंकि ड्राइव करते टाइम अगर मेरे पास फ़ोन आया तो डेट तो देख नहीं सकता, लेकिन ये कहता हूँ कल दोपहर को 2 बजे डेट दूंगा। अगर मेरे पास ऐसी पोजीशन है कि जिस लेवल का प्रोग्राम मुझसे मांग रहा है उससे बीच कोई बड़ा वैल्यूएबल डिसीजन कंपनी हार्वेस्ट या हमारे ग्रुप का होगा, तो फिर मैं कहता हूँ 16 तारीख को बात करेंगे अगली डेट की। मतलब जिंदगी में या तो डेट दी या डेट देने की डेट दी। बताता हूँ, सुनता हूँ, देखते हैं नहीं, सर्व करो, मजा आएगा। अपनी डाउनलाइन को सर्व करो, करेक्टेबल, अपने आप को जिंदगी में टाइम टू टाइम करेक्ट भी करते रहो। इसका मतलब अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते रहो, अपने पापों के लिए प्राश्चित करते रहो। जितना वजन हल्का करते चले जाओगे ना, यात्रा उतनी आसानी से हो जाएगी। और जितना वजन लादते जाओगे ना, वजन पता है जीवन में सबसे बड़ा क्या होता है? जो इंसान अपनी गलतियां नहीं मानता और उसको पता भी चल गया ये गलती है मेरी, जिसको पता नहीं हो उसका तो भगवान ही मालिक है, लेकिन जिसको अपनी गलतियां पता चल जाती है और वो गलतियां स्वीकार नहीं करता, उसको पता ही नहीं उसको कितना बड़ा बोझ अब उसने चालू कर दिया रखना। और जो इंसान अपनी गलतियां मानने लग जाता है ना, अरे टनो वजन, टनो वजन। मेरी पत्नी दुखी पता है किस चीज़ से? एक तो आप क्या है, जल्दी से ऐसे गलती मत माना करो जी, तुरंत ऐसे गलती मान लेते हो, हम कुछ बोल ही नहीं पाते, तुरंत कह देते हो गलती हो गई माफ़ कर दो। मतलब इसको मजा तब आए जब मैं गलती नहीं मानूं, ये मेरे दो घूंसे लगाए ना, तब इसको आनंद आए। गलती नहीं, गलती अगर हो जाए ना, अपनी भूलों को मान लो, और पाप हो जाए तो प्राश्चित से अपने आप को जीवन चला लो। ऐसे तो नहीं सोच रहे ना हमसे कभी कोई पाप नहीं हुआ? सुनो, धरती पे जो जीव आया है उससे भूलें, गलतियां और पाप होंगे, लेकिन उठ वो जाएगा परमानेंट और फॉरएवर, जो गलतियों की माफी मांग लेगा और पापों का प्राश्चित कर लेगा। चैंपियन वही बनता है। इसलिए राम, बुद्ध, महावीर, कृष्ण का नाम हम जानते हैं और छठे दादा का नाम भूल गए। क्यों? उसने कुछ किया ही नहीं, ना माफी मांग के गया, ना कन्फेस करके गया, ना प्राश्चित करके गया। उन्होंने अपने जीवन के सारी चीजों का प्राश्चित किया। रे किया कि नहीं किया? चैंपियन वो बनते हैं, करेक्टेबल होता है चैंपियन। करेक्ट कर लो, गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा कर दो भैया, गलती हो गई क्या करें, माफ कर दो। ज्यादा होशियारी मत करना, और इससे गलती हो गई, गलती हो गई। अंदर से गलती मानना, गलती मानना होता है, शब्दों से गलती मानना नहीं। 90% पति पत्नी की जिंदगी के झगड़े पता है किस लिए होते हैं? गलती नहीं मानते, और जिंदगी भर इतना दही लगाते लगाते इतना बड़ा पहाड़ बना लेते हैं। परमानेंट लाइफ में दूरियां, रिश्तों में दूरियां। क्यों? अरे रे, जीवन में आप अपनी लाइफ में करेक्टेबल रहो, चैंपियन। इसमें टाइम खराब नहीं करता। माफी मांगी, काम आगे बढ़ाया, प्राश्चित किया, काम आगे बढ़ाया, होगा जो देखा जाएगा, आगे बढ़। वजन हल्का करते चलना, चैंपियन वो बनते हैं। जेंटल होता है, जेंटलमैन होता है। चलना, दिखना, उठना आइडियोलॉजिकल होता है। जिंदगी में चैंपियन लोग अपनी लाइफ में जो भी करते हैं ना, अनोखा होता है, अनुसरणीय होता है,
अनुसरण करने जैसा होता है। जो लोग जिंदगी में चैंपियन बनते हैं, जेंटलमैन होते हैं, वो उनकी जैसी कपड़े पहनना आप और हम चाहते हैं। अरे यार, इनके जैसे कपड़े पहनेंगे, इनके जैसे हम लोग जिंदगी जिएंगे, इनके जैसे खाएंगे, इनके जैसे पिएंगे, इनके जैसे रहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में चैंपियन बनना चाहते हो तो जेंटलमैन बनना पड़ता है। जेंटलमैन को प्रोस्पेक्ट पसंद करता है, जेंटलमैन को लोग फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, उसकी जिंदगी से प्रभावित होते हैं। और ये बिजनेस 99% प्रभावित करने का बिजनेस है। ये बिजनेस 99% लोगों को प्रभावित करने का बिजनेस है। प्रभावित ही तो नहीं कर पा रहे लोग, इसलिए तो पैसा नहीं देते हैं। और आपके आचरण से प्रभावित हो गया पैसा, क्या वो जिंदगी भर आपके साथ लग जाएगा? लेकिन जेंटलमैन बनते हैं लोग, स्मॉल बिफोर हिज गॉड एंड द यूनिवर्स। कई लोगों को कहते हुए नहीं सुना आपने? चाहे भगवान भी आ जाए, साला अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब पता है इसने क्या बोल गया? मैं भगवान से भी बड़ा हूं, मैं प्रकृति को हिला के रख दूंगा, देख लूंगा तुझे, अगली बार आंखें नहीं मिलेगी, तू देखेगा क्या। आप याद रखना, जो प्रकृति से, भगवान से अपने आप को बड़ा मानने लग गया, इतना ओंधे मुंह आके गिरता है, रिजल्ट बुरा आता है। वो झुका रहता है चैंपियन। दुनिया का हर चैंपियन किसी चैंपियन के आगे झुका हुआ सा रहता है, विनम्रता सा लवरेज रहता है। विनम्रता उसके जीवन का गहना हो जाती है। असली चैंपियन वो बनते हैं जो जीवन में झुकते हैं।